कौन छुएगा? कान्हा। यशोदा, कभी मेरी भी सुन लिया करो ना, हमेशा अपनी ही सुनाती रहती हो। अच्छा बोलो, मुझे क्या करना है? हमारे यहाँ राधा आई है तो इसका आदर सत्कार के साथ स्वागत तो होना ही चाहिए। वो क्यों? जब मैं आता हूँ तब आदर सत्कार और स्वागत के स्थान पर मुझे ओखली से बांध दिया जाता है। चुप, कुछ भी बोलते रहते हो। आओ राधा। आओ कृष्णा। ये भी तो बोल सकती थी ना आप मैया। नहीं बोलूंगी। तुम्हारा स्त्रियों के बीच में क्या काम? चलो राधा, तुम सब भी आओ। कान्हा, तुमने सुना नहीं मैया ने क्या कहा? स्त्रियों के कक्ष में तुम्हारा क्या काम? बलराम जी, पिताजी, कन्हैया को अपने साथ थोड़ा व्यायाम कराओ। मैं व्यायाम? नहीं। साथियों, मेरा महाराज कंस पर विश्वास नहीं है। जो अपने माता पिता को बंदी बना सकता है, जो अपनी बहन को विवाह के दिन उसे कारागृह में डाल सकता है, जो अपने जीवन के लिए अपने बहन के नवजात शिशुओं की हत्या कर सकता है, वो कंस मुझे गोकुल भेज रहा है कृष्ण को मथुरा लाने के लिए, तो अवश्य ही इसमें उसका कोई अनुचित उद्देश्य है। आप ठीक कह रहे हैं अक्रूर जी। कृष्ण के साथ मथुरा आते समय वो मार्ग में ही कृष्ण पर प्राणघातक हमला कर सकता है। तुम्हारा अनुमान उचित है। तो हमें क्या करना होगा अक्रूर जी? वेश बदलकर कंस के गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंकते हुए हम गोकुल में प्रवेश करेंगे। परंतु भय तो कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाते समय होगा अक्रूर जी। हम किस लिए? हम सुरक्षा देंगे अक्रूर जी को। सुरक्षा मेरी नहीं, कृष्ण की करनी है तुम सबको। अवश्य अक्रूर जी, हम सब कृष्ण के अंगरक्षक बनकर उसकी रक्षा करेंगे। और यदि कोई संकट होता है तो मेरी चिंता भूलकर कृष्ण को बचाओगे और उसे मथुरा और गोकुल से कहीं दूर लेकर जाओगे। हम अपने प्राण दे देंगे अक्रूर जी, परंतु कृष्ण पर आंच नहीं आने देंगे। ये अक्रूर जन्मों जन्मों तक आप सबका ऋणी रहेगा। तुम कितने दिनों बाद आई हो? बहुत सुंदर हो राधा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देखो राधा, ये आभूषण मैंने विशेषकर तुम्हारे लिए बनवाए हैं। पिछली धनतेरस में देखो तो कितने सुंदर हैं। कितना भव्य, फिर भी कितना सौम्य, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नंदरानी जी, आप किनसे बात कर रही हैं? राधा का ध्यान तो आपके आभूषणों पर नहीं। उधर देखिए आप।
जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः, जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः, जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः, मैया मुझे भी भीतर आने दो ना। भीतर आना चाहते हो? क्यों? आभूषण आभूषण मैया आभूषण देखने हैं। आभूषण देखने के लिए अच्छा तो फिर निकलो बाहर निकलो चलो। मैया आभूषण देखने आए हो मैं सब जानती हूँ चलो बाहर जाओ। तो मैया मैं सच में आभूषण देखना चाहता हूँ। कोई तर्क नहीं चलेगा कान्हा तुम बाहर रहो चलो। आभूषण देखने आए हो मैं सब जानती हूँ आभूषण या कोई और। क्या हुआ कन्हैया कोई कार्य नहीं बन रहा है ना? तुमसे मैंने कहा था व्यायाम करो वो भी तुमसे नहीं हुआ। अब एक कार्य करो ध्यान लगाओ ध्यान। परंतु किसका पिताजी? अच्छा राधा का। नंद रानी जी आज हम कृष्ण को राधा से मिलने का कोई अवसर नहीं देंगे। देंगी परंतु कृष्ण को सताने के बाद। ये ना समझना कि कान्हा चुपचाप बैठा होगा वो राधा से मिलने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेगा। है ना राधा? कान्हा ये तुमने अपनी क्या दशा बना ली है कान्हा? ताऊ भैया आप कितना ऊंचा बोलते हो। ऊंचा बोलने के लिए भी शक्ति चाहिए जो कि व्यायाम से आती है समझे? कोई बात नहीं बलराम एक प्रयास और सही। जी पिताजी। कौन? राधा की माँ ने भेजा है राधा को लाने के लिए। हाँ हाँ अभी भेजते हैं तनिक रुको राधा का सिंगार बस हो ही गया। चलो राधा। परंतु शीघ्र ही गोकुल आना। जाओ राधे। आओ राधे शीघ्र। कान्हा देखी कृष्ण की चतुराई। राधे तुमने अपना मुख क्यों ढका हुआ है? चुनरी हटाओ राधे चुनरी हटाओ। राधे राधे
राधा कहाँ है? जाना चाहती हो? जाने से पहले कृष्ण को समझाओ राधा। मैया, क्या किया है कृष्ण ने? किया तो कुछ भी नहीं, परंतु उसकी सांकेतिक बोली मुझे परेशान कर रही है। संकेतों में हमें छोड़कर जाने की बातें करता है। यदि तुम उसे कहोगे तो कदाचित वो हमें छोड़ के जाने की बातें नहीं करेगा। हम कृष्ण के माता पिता हैं, वो हमारे लिए नहीं रुकेगा। परंतु मैं जानती हूं वो तुम्हारे लिए अवश्य रुकेगा। क्या हुआ राधा, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या मेरा कान्हा तुम्हारा कहा भी नहीं सुनेगा? मैया का कन्हैया मैया का कहना नहीं मानता तो फिर राधा का कहना कैसे मानेगा? राधा, मुझे बताओ, क्या कान्हा ने तुम्हें बताया है कि वो हमें छोड़कर जाने वाला है? मैया, मैं जाऊं? राधा, तुम कान्हा को नहीं रोकोगे? मैया, रोका तो उन्हें जाता है जो रुकना चाहते हैं, परंतु जो रुकना ही नहीं चाहता उसे कोई कैसे रोक सकता है? अच्छा तो मैया, मैं चलती हूँ। क्यों आई हो? तुम ही तो बार बार संकेत दे रहे थे बाहर आने के लिए। तो फिर उस समय क्यों नहीं आई? मेरा श्रृंगार हो रहा था कृष्णा। बिना श्रृंगार घर के बाहर निकलना नारी स्वभाव के विपरीत है। तो अब जाओ, मैं क्रोध में हूँ। तुम तो निर्विकार हो कृष्णा, तुम क्रोधित कैसे हो सकते हो? यदि क्रोधित होते तो यहाँ बैठे नहीं होते, कहीं चले गए होते। अधिक से अधिक तुम रूठे हुए हो सकते हो। तो फिर मनाओ मुझे। मनाना तो तुम्हें है कृष्णा, अपनी मैया को। मैया का मन अभी से तुम्हारे वियोग की कल्पना से व्याकुल हुआ है। हम दोनों को तो विरह का शाप मिला है, परंतु क्या मैया को भी पुत्र वियोग का शाप सहना पड़ेगा? मैया सुन बात हमारी,
दुख की जननी मोहमाया है, दुख की जननी देती पीड़ा भारी। मैं अपनी माँ से बिछड़ कर जीवित हूँ ना? इस जगत में हर कोई एक दूसरे को छोड़कर जाता है मैया। यह शाश्वत चिरंतन कुछ नहीं है मैया। हम दोनों को तो विरह का शाप मिला है, परंतु क्या मैया को भी पुत्र वियोग का शाप सहना पड़ेगा? राधे विरहा सह लेगी कारा, मैया का क्या होगा? लाड लडाएगी किसको जब कान्हा तू न होगा? अजब पाश में बंध गए कान्हा, अजब पाश में बंध गए कान्हा, बन कर के संसारी। सह कर सपन संजोए, कब पीड़ा से मुक्ति मिलेगी आशा मैं मन रोए। राह थके हैं वो कान्हा की, राह थके हैं वो कान्हा की, वर्षों से बेचारी मैया।